एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब एंड आई होप कि आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2023 की क्लास 12 की रिजल्ट आउट हो चुकी है। क्लास 12 की अगर तक आपने नहीं देखा है तो सीबीएसई के वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हैं। और आपको कैसे डाउनलोड करना है ये जानने के लिए मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अप्लाई कैसे करेंगे कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि 87.85% स्टूडेंट्स जो है वो पास आउट किए हैं परसेंटेज। और मैं अगर बात करूं तो आज भी 1,00,000 स्टूडेंट्स यानी 2023 में 1,00,000 से अधिक छात्र जो है वो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले आपके लिए कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस अगर आपका है यानी 1 और 2 सब्जेक्ट आपका फैक है 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो आपको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस देना चाहिए। और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस की डेट, एप्लीकेशंस कब से अनाउंसमेंट होगी या हो चुकी है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस कब देते हैं। जब आप 1 या 2 सब्जेक्ट आपकी बैक होती है तो आपको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस देना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी 1 ईयर वेस्ट नहीं जाती है। सेकंड बात करूं तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस जो है वो हो सकता है आपका जुलाई में हो, यानी सीबीएसई जुलाई में कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए, ठीक है। आपकी जो है वो मई के लास्ट में आपका डेट आ जाएगा। फिलहाल तो यही बताया जा रहा है कि जुलाई में एग्जामिनेशंस होगी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की। उसके बाद मैं अगर बात करूं गाइस कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो वो करेंगे ऑनलाइन। नंबर 3, आप सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस की एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे मैं 5 स्टेप बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टेप नंबर 1, आपको विजिट इन वेबसाइट पे जाना है यानी cbse.nic.in पे। स्टेप नंबर 2, आपको ऑन होम पेज को ऑन करना है और सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस के लिंक पे क्लिक करना है। स्टेप नंबर 3, डाउनलोड ऑन पेज को डाउनलोड करना है। स्टेप नंबर फोर, आपको उसके बाद फॉर्म को फिलअप करना है। स्टेप फाइव, आपको सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आपकी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस की फॉर्म फिलअप हो जाएगी। अब नंबर 4 की बात करते हैं कि फ़ी कितनी लगेगी। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपको 300 फ़ी लगेंगे। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से स्टूडेंट्स हो तो 2000 यानी 2000 लगेंगे। तो गाइस, मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस के डेट, एप्लीकेशंस, फ़ी कैसे अप्लाई करना है, राइट? अगर आप भी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को जानकारी मिल सके। उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, थैंक यू।